हेलो एवरीवन, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। क्या हल्दी घाटी के आसपास एरिया में मार्च और अप्रैल में जैसे गुलाब की खेती होती है, जो चात्री गुलाब के नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध है। 10,000 गुलाब के फूल और 20 लीटर पानी इस टैंक में डालते हैं और नीचे से आग जलाते हैं। जब वो पानी गर्म होता है, उस गर्म पानी के भाप से हमारे यहाँ पे गुलाब जल और गुलाब शरबत बनाते हैं। तो आंखों में, मिठाई में, मेकअप में, पूजा में काम आता है। गुलकंद तैयार करते खाड़ी मिश्री में गुलाब के पत्तों को कूट के धूप में पकाते हैं। गर्मी की वजह से किसी के मुंह में छाले, पेट में जलन, एसिडिटी या फिर पाइल्स की शिकायत हो तो उन व्यक्तियों के लिए यह दवाई के रूप में उपयोग में लेते हैं। तो काउंटर पे सभी मेहमानों को सैंपल दिखाया जाता है, आप लोग भी देखिए। बाकी आगे ग्रामीण कल्चर, बोटिंग, शॉपिंग, रेस्टोरेंट है, आराम से आप लोग घूमेगा फिरेगा। जय हिंद सर। ये देखिए महाराणा प्रताप की मूर्तियाँ बिक रही हैं यहाँ पर, साथ ही गुलाब जल और बहुत प्रकार के शरबत भी हैं यहाँ पर, जो ये हमको बता रहे हैं। अलग अलग प्रकार के शरबत हमको टेस्ट करवा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे जो है सैंपल भी टेस्ट कराए जाते हैं जो हमको करवा रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने भी एक लिया है टेस्ट करने के लिए। बढ़िया है। ये देखिए यहाँ पर जो है अब हमको गुलकंद भी टेस्ट करवाया जा रहा है। ये गुलकंद है और इनका ऐसा कहना है कि अभी जो हमने शरबत टेस्ट किया वो चैत्रिक गुलाब से बना था, जो नेचुरल है पूरी तरह से। और चैत्रिक गुलाब जो है ज़्यादा औषधीय होते हैं, तो उससे बना था, तो वो जो है ज़्यादा हमको फ़ायदा देंगे हमारे शरीर को, ऐसा इनका कहना है। यहाँ पर बहुत सारे जूस बिक रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कितने प्रकार के जूस है यहाँ पर। ये देखिए बैलगाड़ी, ये पुराने ज़माने का जो कल्चर था उस टाइम का, वो बताया है यहाँ पे। देवरा यहाँ पे लिखा हुआ है और पुराने ज़माने के कल्चर यहाँ पे बताए हुए हैं। ये देखिए, ये इधर बैलगाड़ी है, मतलब बनाई हुई है। और अभी हम गार्डन में हैं और हम देख रहे हैं आगे और क्या क्या है। ये देखिए यहाँ पे कुछ पुतले बनाए हुए हैं और अगर आप चाहे तो यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये तालाब है, ये जो तालाब है ये तो बहुत सुंदर है और थोड़ा बड़ा भी है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ नक्काशी। क्या है ये पाउटी? 10 फीट नीचे पानी निकालते चलते हो देखा है पाउटी? ये सामने जो रही है। ये जो है पुराने जमाने की गाड़ियाँ यहाँ पे पड़ी हुई है, मतलब पड़ी नहीं है, रखी हुई है दिखाने के लिए कि पुराने ज़माने में ऐसी गाड़ियाँ हुआ करती थी। ये देखिए मैं आपको इस साइड से बता देता हूँ, मतलब ऐसी पड़ी हुई है, ये नकली बनाई हुई है। और अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, मतलब मुझे तो भूख नहीं है, मम्मी पापा को खाना है, तो खाना खाने के लिए जा रहे हैं। और ये देखिए इधर सामने ही है खाना, ये यहाँ पे हमको यही खाना है हमको। तो देखिए ये जो तालाब है ये तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। बाकी ये बोट्स रखी हुई है यहाँ पे, बोट्स रखी हुई है 2-4। और अब जो आप देख रहे हैं ये गन्ने के रस की मशीन नहीं है, ये बेल है। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसे ही निकलता था गन्ने का रस, आपको बताता हूँ मैं। मैंने अभी एक गिलास ऑर्डर किया है तो आपको बताता हूँ मैं कैसे निकलता था पुराने ज़माने में गन्ने का रस। ये बहुत ही मस्त हो रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ब्लॉग को लाइक कीजिए। ये देखिए ये बेल ये बेल से निकलवाते हैं रस। ये देखिए एक ही राउंड में हो गया, एक ही राउंड में ये एक गिलास बन गया। अच्छा, गन्ने का रस का स्वाद है। रियल में जैसे अपन गन्ना चूसते हैं ना, वैसे तो जो रस का स्वाद आता है ना, वैसा स्वाद आ रहा है। तो गाइज़ अभी जो है हम जा रहे हैं चेतक समाधि की ओर। मतलब आपको पता ही होगा कि महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, तो उसी की जो समाधि है वहाँ पर हम जा रहे हैं। और हम लगभग समाधि आई गए। ये देखिए सामने ये समाधि, और यहाँ पे फूल तोड़ना मना है लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये देखिए गाइज़ ये चेतक समाधि है यहाँ पर मेरे सामने, ये चेतक समाधि। और वो जो आपको सामने दिख रहा है वो मंदिर है, शिव मंदिर है। और भी आपको हम बताएंगे इसके बारे में, आपको ब्लॉग के एंड तक आप ब्लॉग को देखिए तो मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में। ये देखिए ये यहाँ पर जो है चेतक समाधि है।
ये है चेतक समाधि। और यहाँ पर जो नाला था वो ऊपर की तरफ जो है बह गया है। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर नाला है, उस नाले के उस पार से इधर कूद के उन्होंने प्राण त्यागे थे। उनको शरीर को उठा के यहाँ पे लाके, ये मुच्छी मंदिर बहुत पुराना उसी टाइम का है, यहाँ पे उनको मंदिर के पास लाया, इसलिए यहाँ पर बनाई समाधि। यहाँ समाधि मंदिर था, ये मंदिर उस टाइम का ही है, पहले का मंदिर है, मंदिर के पास वो लेके आए उनको, यहाँ समाधि, इसलिए यहाँ समाधि बनाई। तो गाइज अभी जो है हम स्टैचू पे आ गए हैं, मतलब यहाँ पे जहाँ हम आए हैं यहाँ पे स्टैचू है, ये देखिए देखिए मैं आपको चारों तरफ से दिखाऊंगा स्टैचू, थोड़ी स्पीड में दिखाऊंगा लेकिन मैं आपको जो है चारों तरफ से स्टैचू दिखाता हूँ। और ये जो है रियल स्टैचू नहीं है, मतलब ये तो अभी बना है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कब बना है ये स्टैचू। आप बस व्लॉग को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये देखिए मैं आपको चारों तरफ से स्टैचू दिखा देता हूँ। और हाँ एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि जिस जगह पे मतलब चेतक ने प्राण त्यागे थे, जो वो नाला था जिस नाले को चेतक ने पार किया था, वो शिव मंदिर से ऊपर की तरफ निकल गया है, जिसके लिए हमको पैदल जाना पड़ेगा और हम जो है अभी थक चुके हैं इसीलिए हम जा नहीं सकते। और हाँ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। और ये देखिए बहुत ऊँची पहाड़ी पर है हम अभी, और ये जो है स्टैचू है यहाँ पर, ये देखिए ये जो मैंने आपको स्टैचू दिखाया ये कब बना था, यहाँ पे लिखा हुआ है 21 जून 2009 को इसका निर्माण हुआ था। बाकी जो है अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। तो गाइज़ आपने इस व्लॉग को यहाँ तक देख लिया है तो इसका मतलब है कि आपको व्लॉग पसंद आया ही होगा। तो गाइज़ प्लीज़ व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।